गोरखपुर महंत दिग्विजय नाथ की 55वीं और महंत अवेद नाथ की 10वीं पुण्यतिथि पर गोरखनाथ मंदिर में श्री मद्भागवत कथा का शुभारंभ दोपहर 2:30 पर होगा, जबकि व्याख्यान माला का शुभारंभ 15 सितंबर को होगा। वही पुण्यतिथि सप्ताह समारोह के उद्घाटन और समापन समारोह में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होने वाले हैं। बता दें, साथ ही सीएम के मार्गदर्शन में कार्यक्रमों को अंतिम चरण रूप भी दिया जाएगा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक देखिए कम होने का नाम नहीं ले रहा है। छठवें भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग दिन रात एक किए हुए है, लेकिन एक भेड़िया लगातार वन कर्मियों को चकमा दे रहा है। इसी बीच बहराइच में बाढ़ का तांडव भी देखने को मिल रहा। बताया ये जा रहा कि नेपाल से आने वाली कौड़ियाला और गेरुआ नदी इस वक्त उफान पर है और मिहीपुरवा तहसील क्षेत्र के गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे गुलरिया, सुजौली, बड़खड़िया सहित दर्जन भर गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही एसडीएम मिहीपुरवा ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का निरीक्षण किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। बारिश के बीच उन्होंने तिहाड़ गेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हालांकि इस बीच राजधानी में जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे चलाए। ऐसे में जब सीएम हाउस के बाहर पटाखा चले तो सियासत होना तो लाजमी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में दीपावली और दशहरे को लेकर पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि पटाखों से प्रदूषण होता है। वहीं जब अरविंद केजरीवाल के रिहाई के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। साथ ही दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग अंदाज में पर्यावरण मंत्री से सवाल भी किए हैं। जी आपको बता दें कि काफी लंबे इंतजार के बाद अरविंद केजरीवाल आ गए हैं जेल से बाहर। उनको जमानत मिल गई है और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जो कल से खुशी का माहौल है वो देखते ही बन रहा है। जी आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, कार्यकर्ताओं ने इस खुशी में उनके आवास के बाहर कार्यालय के बाहर खूब पटाखे चलाए हैं, लेकिन वही सियासत गर्मा गई है क्योंकि बीजेपी वालों ने ये वार कर दिए हैं कि पटाखे जिस तरह से प्रतिबंधित थे दिल्ली में, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की खुशी में आने की खुशी में कार्यकर्ता ही इसका उल्लंघन कर रहे हैं और खूब पटाखे चलाए गए हैं। देखिए, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ, सॉरी, अगर बात करें सीएम केजरीवाल की, तो कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से लंबे अरसे के बाद केजरीवाल एक बार तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं शराब नीति घोटाले में, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगभग पिछले एक साल से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, तो कहीं कहीं अब जब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, तो कहीं कहीं देखा जाए अब बीजेपी को बिल्कुल बीजेपी के पेट में दर्द होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि चार प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव के मौके पर ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता है, कहीं कहीं देखा जाए अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, जेल से बाहर आने को लेकर काफी उत्साहित है, काफी खुश है, तो जाहिर सी बात है कि उसी को देखकर जश्न भी मनाया। लेकिन वही अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कहीं कहीं बीजेपी को ये चीजें पच नहीं रही है और बीजेपी जो है तरह तरह के आरोप लगा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब जो विधानसभा का चुनाव होना है, तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी का हरियाणा में गठबंधन है और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जाहिर बात है अब उसी चीज को लेकर बीजेपी कहीं कहीं अब बीजेपी को बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। देखिए राजेश, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है, हरियाणा चुनाव का मुद्दा भी अब जोरों पर है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि देखिए कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है क्योंकि
जिस तरह से इनके गठबंधन से एक बड़ा नाम जो अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा नाम है वो जेल में थे अभी तक, तो अब कहीं ना कहीं खुशी उनकी दोगुना हो गई है क्योंकि अब चुनाव में पूरा गठबंधन एक साथ मिलकर उस पर काम करेगा और दौरे करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो कहीं अब बिल्कुल बात साफ हो गई है कि अब हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव में कहेंगे देखा जाए बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आएगी। तो बीजेपी को अब इन्हीं सब चीजें जो है बीजेपी को खल रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे मौके बाहर आए हैं कि अब विधानसभा का चुनाव होना है और अरविंद केजरीवाल अब जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे चुनाव के दौरान। और जिस तरह चुनाव पूरा चुनाव अपने पीक पर होगा उस समय केजरीवाल जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद करने का काम किया, जेल में बंद करने का काम किया, कहीं कहीं अब जो है अरविंद केजरीवाल इन्हीं सारी चीजों को लेकर बीजेपी को आड़े हाथे लेते नजर आएंगे। और खास करके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है तो उस बेल को लेकर जो बाहर आए हैं, तो बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, काफी उत्साह देखने के लिए मिला है, बिल्कुल उत्साहित है। जी राजेश कुमार जी, अब आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ताजा अपडेट्स के लिए। यूपी सरकार ने हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल जारी रखा है। इसी क्रम में देर रात एक बार फिर 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कई जिलों के डीएम बदले गए। इनमें लखनऊ से लेकर प्रयागराज और जौनपुर आजमगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। सरकार की ओर से लिस्ट जारी की गई है, साथ ही सभी अधिकारियों को तत्काल नए पदों की जिम्मेदारी ग्रहण करने के निर्देश भी जारी कर दिए। बताया यह जा रहा है कि बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह को अब लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। सीपी सिंह लखनऊ के नए डीएम होंगे, उनसे पहले सूर्यपाल गंगावर इस पद को संभाल रहे थे।